रहमान रहीम जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पे ऑनरेबल साथियों ने बड़ी बातें की, पर क्योंकि टाइम थोड़ा है तो मैं बड़ी तेज़ी से, मुझे ग्राउंड कवर करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, अजान हो गई है, जुमे का वक्त आ रहा है। सबसे पहली बात यह है जनाब चेयरमैन के, बड़ी माजरत के साथ हमारे ऑनरेबल साथियों को, कि या तो वो सेलेक्टिव मेमोरी अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, हकायक को वो बदल के बात कर रहे हैं, या फिर उनको एक हकीकत नज़र आ रही है और उससे वो इनहराफ कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आता हूँ ब्लैकआउट पे और उसके बारे में, और उसके बाद फिर पावर सेक्टर और उसके बाद फिर गैस सेक्टर पे बड़ी तेज़ी से बातचीत करूँगा। जनाब चेयरमैन, जिस वक्त ब्लैकआउट हुआ हफ्ते के दिन रात 11:41 और तकरीबन 38 मिनट 38 सेकंड पे ब्लैकआउट हुआ, तकरीबन मिली सेकेंड्स में पूरा सिस्टम जो है वो ब्लैकआउट। उसकी प्रिलिमिनरी वजूहात ये हैं कि गुद्दू के गैस टर्बाइन के साथ एक ब्रेकर पे दिन भर काम हो रहा था और उस टीम ने वहां पे ब्रेकर पे अर्थिंग, सुनें जी, उन्होंने अर्थिंग की हुई थी और उस अर्थ को एनर्जाइज करने से पहले नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की और उसको एनर्जाइज किया, जिसकी वजह से जो आपकी वोल्टेज है 2,20,000 की लाइन वो इमीडिएटली जीरो पे अर्थ हो गई। उसकी वजह से एक वोल्टेज क्राइसिस आया। और ये भी मैं कहता चलूं कि अपने साथियों की और इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए, ये साबका हुकूमत में 5 साल में 8 बार हुआ था मुख्तलिफ चीज पे, और उनको दिन लगे थे इसको, पार्शल ब्रेकडाउन पे भी उनको बहुत टाइम लगा था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चेयरमैन पिशावर और इन जगहों को 3 घंटे के अंदर अंदर एनर्जाइज किया और पूरे मुल्क को हमने 8 घंटे में एनर्जाइज करा दिया था, उससे भी कम टाइम पे। सुबह 8 बजे आपके पाकिस्तान में बिजली आ चुकी थी, कोई इशू नहीं था। और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर दी और इस वक्त इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटीज बैठी हैं और हम लोग वेलकम करते हैं कि इसको डेक डाउन करें। और इस चीज़ पे हम लोग सिर्फ नहीं आराम से बैठेंगे कि जी एक टीम को या वर्कर्स को हमने सस्पेंड किए, नहीं, वो पूरी चेन को रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे सिस्टम में बेहतरी लानी पड़ी मजीद उसको भी करेंगे। NTDC के सिस्टम पर जनाबी चेयरमैन जो इस वक्त हमारे हाउस में बात हो रही है, बुनियादी तौर पे जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, ये 18,000-19,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर पाए। पिछले साल हम लोग 23,500 मेगावाट हमने ट्रांसमिट किया, 4,000-4,500 मेगावाट हमने मजीद ट्रांसमिट किया उसी बेहतरीन सिस्टम जो हम लोग उसको कर रहे हैं, तकरीबन 49 अरब रुपए, बल्कि 49 बिलियन 49 अरब रुपए हमने उस पर इन्वेस्ट किए। और उसके साथ साथ तकरीबन 74 अरब रुपए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे नेपराट के टारगेट से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसीलिए हमारी जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसमें हेस्को, सेपको, केस्को और पेस्को है, उस पर अभी हम लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे कि बिजली का तरसील का निज़ाम बेहतर हो। आप ये अंदाजा लगा लें जनाब चेयरमैन, इनकी हुकूमतें गुजरी हैं, इनके 7 शरीफ में, लाड़काना में, इन जगहों ने इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, वहां पे हम लोग जाके वो क्लियरेंसेस कर रहे हैं, वो कुंडा कल्चर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज पे आ जाएं, जो इस वक्त सारे के सारे लोग मगरमच्छ के आंसू या रो रहे हैं, जनाबी चेयरमैन जहन में एक चीज रखिएगा कि मिस प्लानिंग साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक जो गलत प्लानिंग की, जो गलत फ्यूल मिक्स लाया, उसका खुमियाजा आज आप सारी की सारी कौम वो भुगत रही है। वो वजह क्या है? वो बारूदी सुरंगें जो इस हाउस पे मैं कह चुका हूं, मीडिया पे कह चुका हूं, वो क्या थी? बड़ी मुख्तसरन जनाब चेयरमैन, आप ये देखें सर्कुलर, आपका जो कैपेसिटी पेमेंट्स, ये वो पेमेंट्स हैं जो सूद की अदायगी होती है, जो कि कंपल्सरी पेमेंट, आम फहम जबान में कहें, जो आपने हर हालत में देनी होती है। 2013 में जनाब चेयरमैन ये थी 185 अरब रुपया, 2018 में ये 467 अरब रुपए तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पहुंचा दी थी। गलत सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, गलत जगह पे, गलत कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने किया क्या? ये उन्होंने जनाबे वाला बारूदी सुरंग छोड़ के गए थे 219 अरब रुपए का, और वो के सारे के वो सारी चीजें वो जाके सारी की सारी हम नहीं, सर बारूदी सुरंगों में क्या गलत चीज है? कोई किसी को मैंने कहा बस आप कंटिन्यू करें जी, गई थी हमारे लिए जी। और उसके साथ साथ जनाब इंटरफेयर ना करें,
जनाबी चेयरमैन बारूदी की सुरंगें बिल्कुल लगाई थी और उन्होंने 229 अरब रुपए की सबसे पहले हमारे लिए एक बारूदी की सुरंग लगाई थी कि अगली हुकूमत आएगी जो वो उसको खमियाजा वो भुगतेगी। और इनके वज़राए आज़म ने बड़े सीनियर लोगों से बात की थी कि जो हम लोग कर बैठे हैं उसका खमियाजा आगे आने वाले करेंगे, हम लोग शायद पावर में आएंगे ही नहीं। मेंटली वो तैयार थे और उन्होंने ये चीज़ें की। जनाबी चेयरमैन ये भी आप जहन में रखें कि ये 229 अरब रुपए के इवज या हम लोग रेट बढ़ाते तो ये तकरीबन 2 रुपए 61 पैसे का बढ़ता। ये शुरू में जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनाब चेयरमैन तकरीबन आप समझें कि ढाल हम लोग बने लोगों के लिए और हमने वो रेट नहीं बढ़ाया और हमने सब्सिडी दी और ये जनाब चेयरमैन तकरीबन 247 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी हमें देनी पड़ी इनकी बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने के लिए। ये वो चीज है जो हमने किया। अभी कोविड देख लें आप, कोविड देख लें, एक साल में कोई रेट नहीं इंक्रीज हुआ। गो के आप ये देखें कि पिछले एक साल में जनाब चेयरमैन जो दूसरी बारूदी सुरंगें सिर्फ दुश्मन की फौज किसी के लिए लगाती है कि आने वाली फौज उसका पैर या कोई टायर उस पर लगे तो वो फट जाए। इन्होंने मुल्क के साथ और हमारे साथ ये हाल किया था। कैपेसिटी पेमेंट ये पब्लिक फिगर्स हैं, आप देखें जनाब चेयरमैन 2019 से लेके 2020 तक 218 अरब रुपए की मजीद हमने सूद की अदायगी कैपेसिटी पेमेंट्स इनकी वजह से करनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कारखाने जो हैं उन्होंने बगैर डिमांड फोरकास्टिंग लगाए, उन्होंने गलत फ्यूल मिक्स पे लगाए। खुमियाजा आप मैं और पाकिस्तान की आवाम और यहां पे हम लोग सारे ले रहे हैं, ये इन्होंने किया। और उसके बावजूद कोविड आया, मैं सल्यूट करता हूं यहां पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब को जनाब चेयरमैन। कोविड के दौरान हम लोग IMF के प्रोग्राम से जा रहे हैं, हम लोग गुजर रहे हैं, पर उसके बावजूद जनाब चेयरमैन इन्होंने हफीज शेख साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मुल्क के लिए एक इन्होंने ढाल बनाई और सब्सिडी जो है वो मुल्क को दी। और उसकी वजह से मोटी मोटी चीजें आपको मैं बता देता हूं जनाब चेयरमैन। आप ये देखें कि आपका जो इस वक्त जो एक साल में जो इन्होंने ढाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों के लिए किया, सिर्फ पावर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, 472 अरब रुपए की सब्सिडी। जनाब चेयरमैन मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी तवज्जो भी मैं चाहूंगा जनाब चेयरमैन, सिर्फ एक साल में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथियों ने हमारे साथ मिलकर 472 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस संगीन सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे थे, किन किन चीजों में? आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 232, एग्रीकल्चरल सब्सिडी 60 अरब, कोविड की SMEs के लिए छोटे जो सनतकार हैं उनके लिए 51 अरब रुपए की सब्सिडी, कोविड की जो डिमांड सप्रेशन थी 23 अरब की, फाटा के लिए 18, ISP के लिए 7 अरब, आपके बलूचिस्तान ट्यूबवेल्स 6 अरब, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 18 अरब। जनाब चेयरमैन ये वो चीजें हैं जो कि हकायक हैं, इनसे कोई आंखें हटा नहीं सकता। मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत दुश्वार तरीन मरले से मुल्क गुजरा था, फिर भी हम लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और डॉक्टर हफीज शेख साहब को और अपनी टीम को मैं सारों को सल्यूट करता हूं, शिबली साहब को सारों को, कि इन्होंने हमारे साथ मेहनत की और तकरीबन 472 अरब रुपए की हमने सब्सिडीज पाकिस्तान की अवाम के लिए किए। जनाब चेयरमैन हम लोग कोई मरीख पे तो नहीं रह रहे हैं, दुनिया में जो है एनर्जी प्राइसेस कहां पर जा रही है, अफेक्ट होता है, पर फिर भी हमने अपने पे लिया। और इसके बावजूद मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यह गलत प्लानिंग मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो गलत प्लानिंग की थी उसका खुमियाजा 2023 तक आपको मैं बताऊं आपके रोंडे खड़े हो जाएंगे। जनाब चेयरमैन आज जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट की जो रकम है वो 2020 में जो सूद की कंपलसरी पेमेंट 860 अरब रुपए से ये चढ़ के 1455 अरब रुपए तक जाएगी। ये डाका नहीं है, ये अवाम के साथ जुल्म नहीं है, तो और क्या है जनाब चेयरमैन? ये एक प्रेशर है, एक आप बारूदी सुरंग करें बल्कि एटॉमिक बॉम्ब है लोगों के ऊपर। और ये 10 सालों में 2013 से लेके 2023 तक जनाब चेयरमैन ये इंक्रीज इन कैपेसिटी पेमेंट्स का 686% इन्होंने किया। ये वो हकायक है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था जनाब चेयरमैन। इसके अलावा आप ये देखें, क्योंकि टाइम कम है, मैं गैस के सेक्टर पे भी बात करता हूं। यहां पे हमारे कई मेंबरान ने कहा कि जी गैस के सेक्टर के मुआहदे और बाकी चीजें मैं आपको बड़ी तेजी से बताता हूं। जनाबी चेयरमैन साहब का हुकूमत ने इन्होंने जो टर्मिनल पहला लगाया वो 13.37% ऑफ ब्रेंट पे किया था।
जो दूसरा आया जनाब चेयरमैन, और वो भी इन्होंने कमिटमेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म की कर दी। जिस वक्त मार्केट नीचे जा रही थी, दूसरा टर्मिनल लगा, चंद महीनों के बाद उसकी प्राइस बनती है 11.62%। जनाब चेयरमैन आप मुझे बता दें कि एक साल के अंदर अंदर दो मुआहदे लाइक, बल्कि उससे भी कम, दो आइडेंटिकल चीजें हैं, वो वहां पे भी रीगैस हो रहा है, यहां पे भी टर्मिनल टू में रीगैस हो रहा है, वही किस्म की गैस आ रही है दोनों जगहों में, रेट क्यों डिफरेंट है? इसका हमें जवाब आज तक जनाब चेयरमैन यहां से जिन लोगों ने मायदे किए उनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो आए बाएं शाएं जरूर करते हैं, जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमसे कोई पूछेगा नहीं, पर जवाब नहीं देते हैं। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए हैं जनाब चेयरमैन, जिसकी वजह से मुल्क को इन्होंने गिरवी किया हुआ है। आ जाए जनाब चेयरमैन आप 2020 के हवाले से, यहां पर हमारे ऑपोजिशन के साथ ही मैं फिर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम क्या इनको मालूम नहीं है, बदनीयती है, क्या वजह है, या सिलेक्टिव मेमोरीज हैं। 2020 के आप कॉन्ट्रैक्ट्स उठा के देख लें जनाब चेयरमैन, और 2019 के इस वक्त हमारा जो रेट जा रहा है, जो डिलीवर एक शिप जो बनता है वो 6.84 डॉलर्स है, वर्सेस 2019 के जो कि 8.6 सेंट्स पे था, तो रेट कम हुआ है पूरे साल का। और उसके अलावा आप या दिसंबर का सिर्फ देख लें, जिसपे ये बहुत बड़ा वावेला करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2019 का जो था जनाबी चेयरमैन, वो रेट जो था वो तकरीबन 7.8 डॉलर था, और 2020 का ये 6.34 सेंट्स है, 6.34 डॉलर, यानी कि कम है। और इसके अलावा भी मैं कह दूं जनाबी चेयरमैन कि इस वक्त ये सिंध की बात करते हैं, ये मुझे अभी यहां पर बड़ी तकलीफ होती है, इनके वजीर आला मुराद अली शाह साहब, मैं नाम लेके कहता हूं, हमारे साथ आके वहां पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात करते हैं, यही प्रेजेंटेशंस उनके सामने रखी गई हैं, उनको मालूम है हकायक क्या है, पर बाहर आके गलत कलामी करते हैं, बात सच्ची नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। और उसकी वजूहत मैं आपको बता दूं जनाब चेयरमैन, सिंध के हवाले से ये आपकी यहां पर स्टैंडिंग कमिटीज में ये चीजें डिस्कस हुई हैं। मैं फिर बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त उन्होंने ओहदा संभाला, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था एक टाइम आएगा जब अपोजिशन की सारी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो रही होंगी अपनी चोरी छुपाने के लिए। ये वही बात है, ये वावेला पीडीएम का, ये वो अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, आराम से बैठे 2023 में मुकाबला करेंगे, जो जीतेगा मैदान मारेगा, तब तक आराम से बैठे। दूसरी बात जनाब चेयरमैन मैं आपसे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिंध के हवाले से फिर गलत बयानी करते हैं, ये कहते हैं जी हमारे पास बहुत बड़ा जखीरा गैस का पड़ा है। जनाब चेयरमैन सिंध की प्रोडक्शन 2025 एमएमसीएफडी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 261 इनके पास बैलेंस रह गई है, बाकी वो भी इस साल खत्म हो जाएगी, वो ऑलरेडी वहां पे इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ जो आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को या एलएनजी के इन्होंने एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर किया था, ये कहते हैं जी स्पॉट कार्गोस के आप अगले सालों के क्यों नहीं कर सकते हैं मुआहदे। जनाब चेयरमैन हम लोग सिर्फ वो कार्गोज इंपोर्ट कर सकते हैं जिनके लिए हमारे पास फर्म डिमांड होती है, क्योंकि इनकी गलती की वजह से इन्होंने उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर किया, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर सकते, और ये आगे जाके हमें ठीक करना पड़ेगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे आना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन साबका हुकूमतों में इनकी बात आती है कि जनाब ये तो आ गया जो सूबे के हवाले से मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बता दी है। जनाब चेयरमैन जुमे के दिन इंशाल्लाह हमारे 20 नए ब्लॉक्स की ऑक्शन हम लोग खोल रहे हैं, जो टेंडर्स आए हैं, बहुत सालों बाद पाकिस्तान में नए ब्लॉक्स की ऑक्शन हो रही है। ये जो डिमांड और सप्लाई का गैस का डिफरेंस है, हमारी टोटल जो डिमांड है वो 7.5 BCF है, बिलियन क्यूबिक फीट, हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उसकी साबका हुकूमत पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस चीज पे काम ही नहीं किया, वो क्या करते थे एक ही ब्लॉक में वहां पे ड्रिलिंग करते थे, उससे आपको डिस्कवरी नहीं होती, नए ब्लॉक्स करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब के हदायत के मुताबिक 20 ब्लॉक्स का टेंडर इंशाल्लाह जुमे को खुल रहा है, नई एक्सप्लोरेशन होगी और वहां से हमें गैस के जखायर इंशाल्लाह वहां पर बेहतरी आएगी। ये फर्क होता है, और ब्लॉक्स के नाम भी आपको मैं बता सकता हूँ। जनाब चेयरमैन आते हैं बात इस पे कि यहां पे ये बात हुई जनाब चेयरमैन के इन्फ्लेशन अफराद जर, यहां पे आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में चले जाएं, ईयरबुक 1971-72-73 की निकालें, जिस वक्त अफराद जर उस वक्त जनाब चेयरमैन 400 और 500 फीसद थी,
वो उस वक्त कौन सी हुकूमत थी, मुझे जरा याद कराएं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ईस्ट पाकिस्तान हमसे चला गया था वो उस वक्त, वो इनको याद नहीं आता क्या? दूसरी बात, यहाँ पे मुतरमा ने बताया कि जी मेरी तस्वीर आती है, आज सुबह मैं वालिद साहब के साथ रहता हूँ, सुबह निकल रहा था तो वहां पर शेल्फ पे किताब पड़ी हुई है, टू डैडी विद फाउंडर्स रिगार्ड जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं आपको वो और भी चीजें बता दूं जनाब चेयरमैन, या आप वो शुरू करेंगे तो वो आर्टिकल्स 1961 में जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अयूब खान साहब की तारीफ में लिखे, वो भी मैं यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ले लूं, कि जो स्टेट्समैनशिप उनको कहा गया, जो चीजें आ गई, ये चीजें इनको तलख लगती हैं जनाब चेयरमैन, ये तलख लगती है इनको। और ये भी चीज मैं कह दूं जनाब चेयरमैन, यहां पे ये बात करते हैं, ये बात करते हैं कि एहसास प्रोग्राम पे बात करते हैं, इनको एहसास उस वक्त होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था, आज इनको तकलीफ हो रही है जनाब चेयरमैन, आज इनको तकलीफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं, इनको ये तकलीफ होती है बात करें। और वो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा जनाब चेयरमैन, ये चीज होगी इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, ये भी जनाब चेयरमैन होगी, और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं इनको और हम लोग तकलीफ पहुंचाएंगे, ये इनकी चीजें हैं जनाब तंगी, प्लीज इनकी चोरी शिकारी, वो जब इस वक्त इनको आईना हम लोग दिखाते हैं तो ये वॉकआउट करते हैं, मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा जनाब चेयरमैन, इनको डर ये है, इनको मालूम है कि इनके जलसे हो चुके हैं, इनका इनको इनका लाहौर का जलसा फ्लॉप, इनका मलकंड का जलसा फ्लॉप, और भी जलसे जो है इनके फ्लॉप होंगे इंशाल्लाह, इनकी हालात जो है वो नाजुक है, इनका इनका कोई आगे जाके जनाब चेयरमैन अवाम इनकी बात नहीं सुन रही, इंशाल्लाह ताला हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पावर सेक्टर में, हमारे गैस सेक्टर में, इसी हाउस में आके मैं इंशाल्लाह ब्रीफिंग दूंगा, जो रिफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग आपको वो भी करेंगे जनाब चेयरमैन। गवादर के हवाले से जनाब चेयरमैन ये तशरीफ रखें सेनेटर तंगी, जनाब चेयरमैन ये मैं जनाब जवाब दे रहे हैं जनाब चेयरमैन, इनको आप जरा इनको कह दे बैठ जाए तामल से बात सुने, मुझे ये बताएं जनाब चेयरमैन, जिस वक्त गंदम का बोरान यहाँ पे चल रहा था सिंध में, तो जी मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं सुने जी, जनाब चेयरमैन मैं इनसे जवाब मांग जवाब दे रहे हैं मिनिस्टर साहब सुने तशरीफ रखे जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन मुझे ये बताएं जिस वक्त गंदम का बोरान था सिंध में, वहां पे सिंध की हुकूमत मुराद अली शाह की हुकूमत ने यह बात कही कि उन्होंने परचेजिंग नहीं की थी, क्यों? उन्होंने कहा था कि जी चूहे खा गए, मुझे वो गेंडा नुमा और वो हाथी नुमा चूहे बता दे वो किधर है जिन्होंने इतनी गंदम खा दी थी, जिन्होंने पूरे मुल्क को एक बोरान में डाला था, इन्होंने इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डाला, रोटी का नवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने लोगों के रोटी पे डाका मारा इन्होंने किया था, लाड़काना पे जाके देख ले जनाब चेयरमैन, वहां पे जो लोग एड्स से फौत हो रहे हैं, जो कुत्तों के काटे से फौत हो रहे हैं, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है उसका जिम्मेदार कौन है जनाब चेयरमैन, क्या ये रोल मॉडल हुकूमत सिंध का दिखाना चाहते हैं? हमें खुशी है कि ये रोल मॉडल सिंध का दिखाएंगे क्योंकि अवाम इनको बिल्कुल रिजेक्ट करेगी, क्योंकि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ करप्शन और दंगा। जनाब चेयरमैन ये भी मैं कहता चलूं, ये बात करते हैं हकूक के हवाले से, इनसे मैं आपके तवज्जो से पूछना चाहता हूं, क्या इनको होश नहीं आई थी? तशरीफ रखे सेनेटर साहब, तशरीफ रखे सुने और जवाब दे रहे हैं जनाब चेयरमैन, आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं, इनको हकीकत गोली की तरह तल्ख लगती है, ये इन चीजों का जवाब नहीं देंगे क्योंकि चोरी की हुई है उसमें पकड़े गए। जनाब चेयरमैन मुझे बताएं, गवादर और मकरान को इन दो हुकूमतों ने बिजली क्यों नहीं फराहम की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत है कि जो वहां पे बिजली नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर रही है, ये फर्क होता है जनाब चेयरमैन, हम लोग साफ सुथरा निजाम कर रहे हैं, आईपीपीएस के साथ हमारे मुआहदे इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, इनको ये चीजें जो है ये बिल्कुल हमारा
नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, रशिया के साथ पाइपलाइन पे गैस के बारे में बात बता रहे हैं चेयरमैन। हम लोग ये एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, मुल्क में बेहतरी ला रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, बेहतर और सस्ती बिजली हम लोग सिस्टम पे लाएंगे। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन मुझे ये बताएं, जो आपका माशाल्लाह इस शोबे पे बड़ी बड़ी बारीकबीनी से नजर है, मुझे बताएं इनके दौर में जो शमसी तवानाई और हवा की तवानाई के प्रोजेक्ट्स थे उनका रेट था 24 सेंट, हमारे रेट, हम लोगों के टाइम पे जो बोलियां खुली हैं वो 3.6 सेंट्स पे आए हैं। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जनाबी चेयरमैन मुझे बताएं कोई शमसी तवानाई दुगनी हुई है, कोई हवा ज्यादा लगी है? साफ शफाफ तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स 2030 तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मनसूबा बंदी की है इसको हम लोग 2030 तक क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे लेके जाएंगे, जिससे हमारा फ्यूल मिक्स भी बेहतर होगा, जिससे हमारी कंपेटिटिवनेस भी आएगी। ये वो चीज़ें हैं जिससे ये घबरा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इंटीग्रेटेड जनरेशन एक्सपेंशन प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं, 2030 तक साफ शफाफ तरीके कार पे प्लानिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो इनके करीब से नहीं गुजरी थी क्योंकि इनका मौका था डंग टपाओ, बस टाइम गुजारो, पैसे लो और फूटो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी।